हेलो टुडे आवर नेक्स्ट पेपर इज़ 2016 सीरीज बी मैंने आपको पहले भी बताया कि अब हम लोगों ने चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं पेपर मतलब पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से मतलब क्वेश्चंस उठाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स हम लोगों ने वो कैसे सॉल्व करने हैं ऐसे तो ये होता है कि चैप्टर मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन करते हैं आप लोग जब नेक्स्ट चैप्टर की रिविजन करेंगे तो पिछले चैप्टर का कुछ है जो कन्सेप्ट होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या करना मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास हर चैप्टर के मतलब हर रोज आप लोग पूरी की पूरी बुक की रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब ये पैटर्न आपका पुराने वाला पैटर्न है यहाँ पे 25 फाइव क्वेश्चन है ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ इंटीजर्स एट कॉमन नाइन एंड ट्वेंटी फाइव बाई अप्लाइंग फैक्टर मैथड आपके पास इंटीजर्स हैं एट नाइन एंड ट्वेंटी फाइव हमने क्या करना है एट के नाइन के और ट्वेंटी फाइव के फैक्टर्स निकालने हैं ठीक है और उसमें हम लोगों ने क्या करना है अब हमने एच सी एफ और एल सी एम फाइंड आउट करना है ठीक है एच सी एफ एच सी एफ मीन कॉमन फैक्टर के फैक्टर में नाइन के फैक्टर में और ट्वेंटी फाइव के फैक्टर में देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या रहा है यहां, यहां पे देखो ना टू कॉमन आ रहा है ना थ्री कॉमन आ रहा है ना फाइव कॉमन आ रहा है यहाँ पे वन तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वन एज ए कॉमन फैक्टर मतलब वन एज ए प्राइम फैक्टर है आपके पास तो वन सभी में कॉमन है तो एच सी एफ ऑफ एट कॉमन नाइन कॉमन ट्वेंटी फाइव कितना बना कॉमन फैक्टर इक्वल टू वन और एलसीएम एलसीएम में आप लोगों ने कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर अब हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर भी लेने हैं और अनकॉमन फैक्टर भी लेने हैं तो अब देखो कॉमन फैक्टर तो बन आ गए आपके पास अनकॉमन फैक्टर टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव तो यहाँ से जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो होगा आपका एलसीएम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन ठीक है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन में आप लोगों ने क्या करना है कि हमने बिना डिवीजन किए हुए हम लोगों ने इस रेशनल नंबर को प्रूव करना है कि ये जो आपके पास है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग

टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या कंडीशन है आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर किस फॉर्म में आने चाहिए 2 रे टू पावर एन और 5 रे टू पावर एम की फॉर्म में आने चाहिए ठीक है तो यहां पे क्या है आपके पास 17 अपॉन 2 रे टू पावर 3 5 रे टू पावर 0 क्योंकि 1 1 सभी का कॉमन फैक्टर है मतलब 1 सभी का फैक्टर है तो 1 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 5 रे टू पावर 0 बिकॉज़ 5 रे टू पावर 0 इक्वल टू 1 ठीक है समथिंग रेज टू पावर जीरो कितना आता है आपके पास वन आता है तो ये टू तो और फाइव की फॉर्म में आपके पास फैक्टर बन गए हैं तो ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नेक्स्ट है आपके पास सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर सोल्व दिन यूजिंग सब्सिट्यूशन मैथड आपके पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर लिनियर दी हुई है इनको हमने इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू दे देना है सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई टू टू एंड सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाईल टू थ्री फ्रॉम इक्वेशन वन अब सब्सिट्यूशन मेथड है यहाँ पे चाहे आप इक्वेशन नंबर वन से या इक्वेशन नंबर टू से आप लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब एक्सपिल की तरफ ले लिया इसको एक्स इक्वल वाई अपॉन सेक्स की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर वन से ये एक्स की वैल्यू ली है तो आपने ये एक्स की वैल्यू जो वो इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे ठीक है वहां से क्या होगा कि आपका एक्स जो हो वो एक्सर कितना आ जाएगा वाई की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे y की फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा तो आपके पास क्या आएगा ये y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इस y की वैल्यू आप लोगों ने इधर इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर टू या क्वेश्चन नंबर थ्री किसी में भी आप उठ कर सकते मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है ये है आपका सब्सिट्यूशन मेथड मतलब जरूरी नहीं कि आप लोगों ने एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है या वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पे ये देखो हम लोगों ने यहां किया एक्स और वाई की वैल्यू आ गई आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन अब क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक है आपके पास तो की मतलब पहचान क्या होती है आपके पास वेरिएबल की पावर जो वो टू होनी चाहिए ठीक है अब हमें हम इस इसमें क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है आप लोगों को तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो सेंट्रल में डरम है उसकी एडिशन या देखनी है अकॉर्डिंग टू द साइन तो आपके पास गिवन इक्वेशन एक्स प्लस को हमने किससे मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स से तो आपके पास कितना आया? मतलब क्या है टू यहाँ किया मतलब टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री अब हमें चाहिए क्या बीच में प्लस के एक्स चाहिए मतलब फोर थ्री या ट्वेल्व अब हम लोगों के पास माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस की टर्म आनी चाहिए जब आप करेंगे तब आपके पास बीच में प्लस का साइन आना चाहिए तो हमने क्या करना है एक टर्म हमने प्लस की लेनी है और दूसरी तरफ हमने माइनस की लेनी है टू एक्सक्र प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो अब हमने यहाँ से फैक्टर बना के जो चीज़ कॉमन आती है वो हमने ले लेना है अब देखो फर्स्ट इसमें यहाँ पे टू और x कॉमन आ रहा है और बीच में बन रहा है आपके पास x प्लस टू तो जो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट में बन रहा है वही आपकी यहाँ पे बनेगा ठीक है अब देखो यहां से थ्री माइनस के थ्री कॉमन ले लिया x प्लस टू दूसरी ब्रैकेट में बन गया अब देखो x प्लस टू यहां भी है x प्लस टू यहां भी है x प्लस टू हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास दूसरा फैक्टर क्या बना टू एक्स माइनस थ्री आइर टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो टू एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स इक्वल टू माइनस टू तो यहाँ से आपके पास रूट्स बन गए हैं ठीक है find the distance between the pairs of points. अब हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स अब टू पॉइंट्स हैं आपके पास टू पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या करेंगे वाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो अब हमने जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं उसको हमने जनरल पॉइंट के साथ कंपेयर करना है एक्स वन कितना है वाई वन कितना है एक्स टू कितना है वाई टू कितना है आपके पास ठीक है और फिर उसके बाद हमने वाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एवी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल एज टू पावर टू प्लस वाई टू माइनस वाई वन हो डू पावर टू होल स्क्वायर रूट ठीक है यहाँ पे हमने एक्स वन वाई वन एक्स टू एक्स टू और वाई टू की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो ऑफ फाइव रेशो एट मेजर द टू पार्ट हमने ए बी सेवन सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है क्योंकि लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो इसमें पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया है मतलब तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फिर हमने पॉइंट ए के ऊपर एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री ठीक है और इसको हमने रे ड्रॉ की है यहाँ पे रे को हमने कितने फाइव प्लस एट थर्टीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और फिर विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल वी विल ज्वाइंग द लास्ट पॉइंट जो थर्टींथ पॉइंट है वो हमने पॉइंट बी के साथ कनेक्ट किया है और उसके अकॉर्डिंगली हमने पहले लाइन ड्रॉ की है फिफ्थ पॉइंट के साथ तो अब देखना है कि यहाँ पे सी पॉइंट लिया है ए सी और बी सी के बीच का डिस्टेंस कितना है वो मेजर करना है हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज फोर सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल अब हमने सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल का सेंटर कितना लिया है आपके ने? ओ ठीक है अब देखो लेटस्ट ड्रॉ सेंटर ओ ए एंड से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया है ठीक है रेडियस टेंजेंट के प्रपेंडिकुलर है और टेंजेंट रेडियस के प्रपेंडिकुलर है अब ओ ए कितना है सॉरी और बी को ज्वाइन किया तो उसमें हमारे पास डिस्टेंस दिया कितना है फाइव सेंटीमीटर अब देखो यहाँ पे A, B, टेंजन की लेंथ दी है आपके पास फोर सेंटीमीटर एंड ओ बी फाइव सेंटीमीटर दिया है आपके पास अब ये हमारे पास किस टाइप की ट्राइंगल बन रही है राइट एंगल ट्राई एंगल देन वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड ओ ए और ओ ए क्या है आपका रेडियस ऑफ द सर्कल तो हमने पाइथागोरस थ्योरम, वी विल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इज़ एन विद इक्वल टू बी सी अब इफ ए बी इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइ अब यहां पे राइट right एंगल कौन से पॉइंट के ऊपर बनता है सी पॉइंट के ऊपर तो एबीसी आपके पास आइसोस्केल्स है तो यहाँ पे एसी एंड बीसी मतलब टू साइड्स आपकी इक्वल होंगी ठीक है एसी इक्वल टू बीसी है और हमें ना प्रूव करना ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 एसी स्क्वायर मतलब ये आपके पास गिवन है और हमने प्रूव मतलब क्या करना है जो आपकी ये ट्रायंगल है एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है तो प्रूफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 एसी स्क्वायर अब 2 एसी स्क्वायर है उसको हमने सेपरेट करके लिखना है ठीक है ए सी स्क्र प्लस ए सी स्क्वेयर अब हमें पता है ए सी इक्वल टू क्या है आपके पास बी सी है तो एक के सी में आप लोगों ने बीसी पुट कर देना है तो आपके पास बना ए बी स्क्र इक्व टू ए सी स्क्र प्लस बी सी स्क्र दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्र इक्वल टू बेस स्क्र प्लस प्रपेंडिकुलर स्क्र वाई द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल ए बी सी इज आ राइट एंगल ट्राइ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अ बैग कंटेन्स थ्री रेड एंड फाइव ब्लैक बॉल अ वॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल नॉट रेड अब इसमें बोला कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है मतलब एक बैग है उसमें रेड कलर की बॉल भी है और ब्लैक कलर की बॉल भी है अब हमें दिया गया कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं थ्री है एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने हैं आपके पास फाइव है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने नॉट रेड बॉल की मतलब जो हम बॉल निकाल रहे हैं वो हमारे पास रेड कलर की नहीं होनी चाहिए अब जाहिर सी बात है बैग में आपके पास रेड और ब्लैक कलर की बॉल है अगर जो हमने बॉल निकाली है बाहर वो रेड कलर की नहीं तो वो कौन सी होगी ब्लैक कलर की ठीक है तो सिंपल वे में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एबरल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ वॉल तो कितनी है ब्लैक वॉल फाइव और टोटल नंबर कितनी है आपके पास एट है नेक्स्ट है आपके पास अ डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स अब डाई डाई में हाउ मेनी साइड्स देयर आर सिक्स साइड्स ठीक है अब हमने एक साइड वन बन डॉट बना होता है टू डॉट बने थ्री डॉट फोर डॉट फाइव डॉट सिक्स डॉट इस इस तरह से बने होते हैं अब अब ये बोल रहे कि नंबर लाइंग बिटवीन एंड अब दो और तो और के बीच में जो नंबर लाइक कर रहे हैं वो कौन कौन से थ्री फोर फाइव तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कितने नंबर आएंगे सिक्स नंबर आएंगे मतलब तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास सिक्स है अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स इक्वल टू नंबर बिटवीन टू एंड सिक्स अपॉन टोटल नंबर तो कितने हैं आपके पास थ्री फोर फाइव देर आर थ्री नंबर आपके पास ठीक है तो थ्री अपॉन टोटल नंबर कितने हैं आपके पास सिक्स so, तो थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स तो आपके पास प्रोबलिटी कितनी बनी वन अपॉन टू नेक्स्ट है सॉर्व दिस्टम ऑफ लिनुकेशन ग्राफिकली टू एक्स प्लस वाईक्वल टू सिक्स फोर एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर अब हमने यहाँ से x और y की वेरिएबल्स मतलब x और y, मतलब x की फॉर्म में लेके आना है फिर हमने y की वैल्यू रैंडमली पुट करके हम लोगों ने टेबल बनाना है वैसे ही हम सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेंगे एक्स की फॉर्म में या वाई की फॉर्म में एज यू विश जैसे आपको सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे ठीक है और जिस मतलब अगर वाई की फॉर्म में बना रहे हैं आप लोग तो आपने एक्स की वैल्यू पुट करते हुए टेबल बनाना है और थ्री थ्री वैल्यूज फाइंड आउट करके आप लोगों ने ग्राफ में शो करना है अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ है आपका कहीं ना कहीं एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा होगा अब जब आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रही है वो होगी आपके पास x और y की वैल्यू तो यहाँ से आप जहाँ पे टू लाइंस आपकी मीट करेंगी जिस पॉइंट के ऊपर वो जहां पे देखना है आपने कि x की वैल्यू कितनी आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है तो वाई यूजिंग ग्राफिकल मैथड तो इस फॉर्म में किया है आप लोगों के पास टेबल बना के हम लोगों ने मैंने पहले ही बोला आपको कि एक्स की फॉर्म में बना लो या वाई की फॉर्म में फिर रेंडमली वैल्यू पुट करते चलो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन उसके आफ्टर है डिवाइड एक्स रेस टू पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई एक्स स्क्र माइनस टू अब हमने पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है तो इसमें हमने देखना कि रेस टू पावर पावर किस में आ रही है अब देखो एक्सो स्क्र माइनस टू को हम मतलब इसे डिवाइड कर रहे हैं किस किस को एक्स एस टू पावर थ्री माइनस थ्री एक्सो स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री यहाँ पे एक्स रेस तो टू पावर थ्री है यहाँ पे एक्स स्क्र है हमें कितना चाहिए वन एक्स मतलब एक्स चाहिए हमें तो हमने एक्स स्क्र को जब एक्स से मल्टीप्लाई हैं तो आपके पास कितना बंदा है रेस टू तो पावर थ्री और माइनस टू को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू एक्स अब जहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स रेस तो टू पावर थ्री वाला वेरिएबल एक्स रेस तो टू पावर थ्री वाले वेरिएबल के नीचे राइट करेंगे और एक्स वाला जो वेरिएबल है वो एक्स वेरिएबल के नीचे राइट करेंगे इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आपकी जो सब्टेक्शन है वो प्रॉपर वे से हो जाएगी ठीक है और इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन अब आपके पास ए पी है ठीक है एपी में आपके पास इलेवंथ टर्म दी हुई है कितनी है थर्टी एट एंड 73 अब देखो वाई यूज d जहां पे आपके पास एन दिया वहां पे क्या करेंगे 11 तर्म बोली है तो आपने इलेवन पुट कर देना है ए प्लस इलेवन माइनस वन इन टू डीवल टू थर्टी एट एंड ए प्लस टेन डीवल टू थर्टी एट क्वेश्चन नंबर वन वैसे ही हम लोगों ने सिक्सटीन टर्म का फाइन मतलब है एंड गिव नंबर अब हमने क्या करना है बन गई हैं अब देखना अपने वेरिएबल्स की कॉफिशियंट जो वो सेम है तो वाई यूजिंग मैथड भी देखो साइन भी आपके पास सेम है प्लस के साइन है दोनों को तो दोनों सब्टेक्ट कर देंगे जब सब्टेक्ट करने तो आपके पास साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे जो प्लस के हैं वो माइनस के और जो माइनस के हैं वो प्लस के तो यहाँ से आपने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और इस डी की वैल्यू आप लोगों ने इक्वेशन नंबर वन या इक्वेशन नंबर टू में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लास्ट में बोला क्या है हमें फाइंड द थर्टी फर्स्ट टर्म तो वाई यूजिंग एंथ टर्म ऑफ एन ए पी यू कैन फाइंड द ए थर्टी वन ए थर्टी वन इक्वल टू ए प्लस थर्टी वन माइनस वन इन टू डी तो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू एन की वैल्यू एंड डी की वैल्यू पुट करके आप लोगों ने थर्टी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट है आपके पास गिवन फिफ्टीन कॉट ए इक्वल टू एट अब फिफ्टीन जो वो कॉट ए के साथ मल्टीप्लाई में है वहां जाके हो जाएगा डिवाइड तो ये बनेगा कॉट ए इक्वल टू एट अपॉन फिफ्टीन अब कॉट ए वाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो

17 सॉल्व करके आया फिर हम लोगों ने साइन सीकेंट, इनकी वैल्यू फाइंड करनी तो हमें मतलब तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग हमने देखना कि साइन ए में क्या आता है परपेंडिकुलर पर्टिकुलर अपॉन हाइड्रोन्यूज एंड सी केंट ए में क्या आता है हाइड्रोन्यूज अपॉन बेस अब नेक्स्ट है ने आपके पास प्रूफ द आइडेंटिटी कॉस ए अपन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस टू टू सी ए लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल मतलब प्रूव करना है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है अब देखो लेफ्ट हैंड साइड स्टॉप करना अब देखो यहां पे point दिया है आपके पास डिवाइड द लाइन सेगमेंट अब हमें क्या फाइंड करनी है ratio फाइंड आउट करनी है कि जो अब ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पी पॉइंट consider किया है वो कितनी रेशो के ऊपर लिया है अब रेशो फाइंड आउट करनी है तो के रेशो वन मान लो इसको ठीक है अब हमने क्या करना है वाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी विल फाइंड द रेशो अब देखो यहाँ पे ये आपके पास लाइन सेगमेंट है ए बी ए के पॉइंट है आपके पास माइनस थ्री कॉमा टेन एंड बी के हैं सिक्स कॉमा माइनस एट एंड जो पी पॉइंट कंसीडर किया है लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर वो है माइनस वन सिक्स तो हमने जो पी पॉइंट है पी पॉइंट इक्वल टू मतलब वाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला तो आपने यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके आप लोगों ने k की वैल्यू फाइंड ऑट करनी है मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एन अम्ब्रेला हैज एट रिब्स आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू वी आर फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस फोर्टी फाइव सेंटीमीटर फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला अब जो अम्ब्रेला है उसमें रिब्स बनी होती हैं आपके पास बीच में तार लगी होती है लोहे की वो कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एट इक्वल पार्ट्स में ठीक है अब हमारे पास यहाँ पे आया जब हमने अम्ब्रेला को लेट अस सपोज कर लिए कि वे फ्लैट शेप में आ रहा है आपके पास तो वो किस शेप में आ रहा है सर्कल की शेप बना रहा है तो रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर जो रिब्स की लेंथ दी है वो कितनी है फोर्टी फाइव तो वो क्या आपके पास बनना रेडियस अब नंबर ऑफ रिब्स कितनी है आपके पास कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है वो एट इक्वल पार्ट्स में तो हमने क्या करना है इसका एंगल थीटा फाइंड आउट करना है तो वी नो दैट कि एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है एट तो डिवाइडेड बाय एट इक्वल टू कितना है आपके पास फोर्टी फाइव डिग्री अब देखो ये रिब जो बना रही है आपके पास वो किस शेप की बन रही है सेक्टर की शेप की बन रही है तो वाई यूजिंग एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉइंट थ्री सिक्सटी डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर अब थीटा फोर्टी फाइव डिग्री अपॉन थ्री सिक्सटी और पाई की वैल्यू अगर आपके पास मेंशन है वो ही आपने लिखनी अगर नहीं है तो आप ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन ले सकते हैं और इंटू रेडियस फोर्टी फाइव सेंटीमीटर इंटू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर फिर व्हाई यूजिंग मतलब कैलकुलेशंस आपने करके 795.53 स्क्वायर सेंटीमीटर अब ये आया एरिया बिटवीन टू अब टू के बीच में पूछा है हमें एट्स नहीं पूछा तो हमने इसको एट से मल्टीप्लाई नहीं करना है नेक्स्ट है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग फाइंड द हाइट ऑफ द टावर अब ये बोला है एक पर पोल है और दूसरा टावर है दोनों की शेडो पड़ रही है ठीक है अब शेडो की हमारे पास दी कि कितनी लेंथ है मतलब कितने इक्वल टू फोर मीटर एंड एवी पी क्यू इक्वल टू ट्वेंटी एट मीटर तो हमने हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच मीटर जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है उसको मान के चलेंगे हाइट ऑफ ए वर्टिकल पॉल गिवन है आपके पास कितनी है सिक्स मीटर एंड शेडो जो पॉल की शेडो वो कितनी आ रही है आपके पास पॉल की शेडो एंड शेडो ऑफ टावर ये भी गिवन है आपके पास ट्वेंटी एट मीटर सिंस टू ट्राइ एंगल्स आर सिमिलर दोनों ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर है बिकॉज वो ट्राइ एंगल्स आर राइट एंगल ट्राइ एंगल ठीक है सिमिलर आपके पास ट्राइंगल तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी प्रोपोर्शनल टू इच अदर मतलब बेस, बेस हमारे तो मतलब गिवन है उनकी वैल्यू पुट करके वाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल फाइंड द पी क्यू एंड पी क्यू क्या है आपके पास हाइट ऑफ द टावर तो हाइट ऑफ टावर कितनी आई आपके पास फोर्टी टू मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइन द एरिया ऑफ द शेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स बि सेंटर ओ आर सेवन सेंटीमीटर एंड फोर्टीन सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड एंगल ए ओ सी इक्वल टू फोर्टी डिग्री अब कंसेंट्रिक सर्कल तो उनका सेंटर क्या है सिंगल सेंटर है आपके पास ओ एक ही सेंटर तो रेडियाई दिए हैं तो हमारे पास रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ

साइड ऑफ द फेड अब आपकी जो फेड है वो किस शेप की है रेक्टेंगुलर शेप की है उसकी हमें क्या लेंथ ब्रेथ और एक डायगेनल्स भी है हमारे पास डाइगनल दिया हुआ है तो बोले की लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फेड जो शॉर्टर शौ, साइड है उसको हमने एक्स मान लिया है और बोले जो लॉन्गर साइड है वो थर्टी मीटर मोर है तो हमने क्या किया एक्स प्लस थर्टी मीटर एंड जो डाइगनल है डायगेल मतलब बीस से जो पॉइंट मतलब ये कर रहे हैं x प्लस कितना है 60 मीटर मोर है अब देखो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राई एंगल देन वाई यूजिंग पाइथोर थ्योरम वी विल फाइंड द परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट एंगल ट्राई एंगल तो टू प्रपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस उसके अब हमने क्या मानना है जो प्रपेंडिकुलर है उसको हमने एक्स मानना है बेस आपके पास कितना है एक्स प्लस थर्टी एंड आपके पास है? एक्स प्लस इनकी वैल्यू पुट करके और ए प्लस बी होड एज टू पावर टू आइडेंटिटी यूज करके हम लोगों ने एक्स की वैल्यू मतलब ये बना आपके पास क्वारेटिक इक्वेशन बने एज यू विश कि आपने इस क्वारेटिक्वेशन को वाई यूजिंग फैक्ट्राइजेशन मैथ से सॉल्व करना है या वाई यूजिंग क्वाडेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है यहाँ पे हम लोगों ने वाई यूजिंग मेथड से सॉल्व की अगर फैक्टर पॉसिबल है तो आपने फैक्टर मेथड लगाना है अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो आप लोगों ने वाई यूजिंग फार्मूला मतलब मेथड से करें तो उनके फैक्टर बना के हम लोगों ने यहाँ से एक्स अब देखो एक एक्स की वैल्यू माइनस थर्टी आई और एक एक्स की वैल्यू नाइनटी आई डायमेंशन वो आपकी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आती है तो आप लोगों ने x इक्वल टू माइनस थर्टी जो उसको neglect कर देंगे, हमने कौन सी लेनी है x इक्व टू नाइनटी तो शॉर्टर साइडी मीटर लॉन्गर साइड नाइन टू वन हंड्रेड ट्वेंटी मीटर एंड डायगनल आया आपके पास 90 प्लस इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज फिफ्टीन मीटर अवे

वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना 60 डिग्री तो जहाँ पे 15 मीटर का डिस्टेंस है उसको हमने टॉप से मतलब किया तो आपके पास किस टाइप की बन रही है राइट एंगल अब एंगल अब कितना आया यहाँ पे थीटा है आपके पास सिक्सटी डिग्री तो वाई उसी, मतलब राइट एंगल ट्राई एंगल में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अब हमें चीज मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपने ए बी अपॉन बी सी अपर पेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेन थीटा Theta कितना है आपके, यहां 60 तो 10, 60 कितना है है आपके पास यहाँ पे डिग्री तो यहाँ से हम लोगों ने एच की वैल्यू फाइंड आउट की है एच इक्वल टू आई आपके पास फिफ्टीन मीटर मैं एक बात और आपको बोल दूंगी अगर आपके पास स्केयर रूट थ्री की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो आपने पुट करके इसको पूरी एक्चुअली में जो मतलब कैलकुलेशन निकलेगी वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है और यूनिट का पूरा ध्यान रखना है नेक्स्ट है आपके पास इफ अ टल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंग अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो अब ये कौन सी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की डेफिनेशन दी हुई है कई बार आपको क्वेश्चन जो वो स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के फॉर्म में भी आ सकता है ठीक है तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट राइट नहीं करनी है अगर आपको बोला लग गया कि स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है तो आपने स्टेटमेंट राइट करनी है उसके आफ्टर लिखना है आपने गिवन तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है तो हम लोगों ने गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच अ लाइन पैरले टू साइड बी सी इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई रेस्पेक्टिवअली रेस्पेक्टिवली मीन्स जो मतलब क्रमानुसार चल रहा है आपके पास पहले डी पे तो डी पे ही आएगा फिर ई e पे तो ई e. अब हमने प्रूव क्या करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू एपॉन ई सी कंस्ट्रक्शन लेटर्स ज्वाइन अब हमने यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन का मीन हमने अपनी मर्जी से क्या ज्वाइन किया है आप लोगों ने बी ई एंड सी डी एंड देन ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइ एंगल अगर राइट एंगल ट्राई एंगल बन रही है देखो यहाँ पेग्री के एंगलेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आपके पास किस टाइप की फार्मूलाइट एंगल तो इज द एरिया ट्राइंगल वन बाई टू बेस इन टू हाइट अब देखो बेस कितना है आपके पास जिसके ऊपर आपके पास परपेंडिकुलर बन रहा है परपेंडिकुलर यहाँ पे देखो क्या एडी के ऊपर तो एडी क्या है आपके पास बेस और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ई एन तो देखो यहाँ पे वन टू ए डी मल्टीप्लाईन सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे देखेंगे इसके लिए AE upon, AE, आपका और DM, जो आपका पे परपेंडिकुलर आया तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डीवल टू आया आपके पास एक बना वन अट टू ए डी और दूसरा बना है डीवी EN अब देखो यहाँ पे एरिया टू एरिया आपके पास एरिया की रेशो फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल जितने भी आपके पास पॉसिबल राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है उनकी सभी के हमने एरिया लिख लेने हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला वन बाई टू वेस इन टू हाइट उसके आफ्टर हमने किया इनकी है एरिया ऑफ ट्राइ एंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइ एंगल बी डी ई तो एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए डी क्या है आपके पास वन बाई टू इन टू ए डी मल्टीप्लाईन अपॉन वन बाई टू इन डी बी एन और देखो वन बाई टू वन बाई टू कॉमन है कट गया आपस में ई एन ई एन से कट गया आपके पास क्या बना एडीन डी बी सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल के लिए लेंगे मतलब आपके पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी आया और दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी टू वन वाई टू ए मल्टीप्लाई डी एम और ईसी मल्टीप्लाई डी ए तो ये बना एपॉन ई गिव इट क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब दोनों एरिया आपके पास सेम आ रहे हैं दोनों मतलब रेशियो आपके पास सेम आ रही है तो एरिया ऑफ ट्राइ एंगल बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइ एंगल डी ई सी तो ये क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री आपके पास एरिया दोनों मतलब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपके पास इक्वल आ रहा है तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो भी क्या होगी इक्वल और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी नेक्स्ट है आपके पास हाउ मैनी सिल्वर क्वाइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूवाइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई टेन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थ्री सेंटीमीटर अब सिल्वर क्वाइन मतलब क्वाइन आपका सिलेंडिकल शेप का है उसकी थोड़ी सी थिकनेस भी होती है जैसे आपका फाइव रुपये का सिक्का है उसमें ज्यादा दिखती है आपको ठीक है तो किस शेप में दिख रहा है वो सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है तो उसका हमारे पास क्या दिया है डाया दिया है, है 1.75 सेंटीमीटर तो डाया कितना है आपके पास 1.75 सेंटीमीटर एंड रेडियस अपॉन टू तो कितना आएगा 1.75 आया अब देखो यहाँ पे इनको डेसिमल बेटा यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि आपने यूनिट्स को सेम करना है अगर मिलीमीटर में दिया है तो आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे पास पूरे क्वेश्चन में यूनिट जो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं

तो क्यूवाइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है तो वॉल्यूम ऑफ ए क्वाइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूवाइड अभी क्वाइन किस शेप का है वो है आपके पास सिलेंड्रिकल शेप का तो हमने वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर लगाना है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूवाइड मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट अब इसमें बोला कि कितने क्वाइन को मेल्ट करके आपने ये क्यूवाइड बनाया है अब नंबर ऑफ क्वाइंस मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने एन कहा मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ की साइड में ठीक है फिर जो मतलब हमारे पास पाई की वैल्यू रेडियस और हाइट एंड लेंथ ब्रेथ हाइट जो आपके पास क्यूवाइड की दी है उनकी वैल्यू पुट करके आपने सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे 400 हंड्रेड क्वाइंस को मेल्ट करके हमने जो ये क्यूवाइड दिया है आपके पास डायमेंशन हैं 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर ठीक है एंड नेक्स्ट है आपके पास हंड्रेड सर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फावेट्स इन द सर वाजेंड एज फॉलोर्स डिटरमाइन द मीडियन अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे मीडियन की मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सर फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द आल्सो फाइंड द मॉडल ठीक है तो so, हमारे पास यहाँ पे मतलब दिया हुआ है फॉर मीन के लिए कर रहे हैं क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है हंड्रेड मतलब आप हंड्रेड सर नेम्स का ये कर रहे हैं ठीक है तो हमने यहाँ पे क्लास साइज एक्स आई है आपके पास क्लास साइज मतलब और के बीच में मतलब कितना साइज है मतलब कितना साइज़ बन रहा है आपके पास और डायरेक्ट मेथड के लिए आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी को क्लास आई से मल्टीप्लाई करना है एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई एंड मेन फाइंड आउट कर रहे हैं समेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिगमा एफ आई इक्वल टू एट पॉइंट थ्री एट अपॉन हंड्रेड तो आपके पास मीन कितना आया एट पॉइंट थ्री एट ठीक है तो हमने इसमें क्या किया हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लिए मतलब हर चैप्टर से आपके पास हो तो हमने मतलब पूरी बुक की रिविजन हो रही है स्टेप बाई स्टेप तो हम लोगों ने अब इसी हिसाब से मतलब बाकी के क्वेश्चन पेपर भी रिवाइज करवानी है